हाँ भाई, क्या चल रहा? इस स्माइल के पीछे मत देखना कभी भी। जांचना मत मेरे अंदर कितना दर्द है, मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि ये दर्द सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है, ये आरसीबी होने भी आरसीबी को नहीं हो रहा। अबे बैक टू बैक तीन मैच कौन हारता है? ले फुक रहा इंसान और उसकी टीम भी। लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। तुम खेलने गए हो, पिकनिक करने गए, मुझे ये बताओ साले दिल्ली में रह के इतनी गंदी बेइज्जती कौन करा रहा है बैंगलोर की पे? साले दिल्ली वाले और बैंगलोर वाले सब मिलके गाली देने चाहिए इनको तो। अरे बैटर का काम है रन मारना, ये साले ओडीआई खेलने गए T20 फॉर्मेट में, सॉरी T10 फॉर्मेट में। भाई बॉलर का काम है विकेट लेना, रन रोकना, ये छक्के पे छक्का खा रहे हैं। समझ गए तुम? गजब बेइज्जती है भाई। 228 रन मारे हैं हर्ष भाई की टीम ने, समझ रहे हो? समझ रहे हो कितना गंदा खेला सालों ने? वो तुमने मैच देखा है, कोई मिल गया में ऋतिक रोशन और बच्चों वाला, कि बॉल हवा में ही दिख रही है और बच्चे भी हवा में ही दिख रहे हैं। यहाँ पे बॉल भी हवा में ही थी और इनके ख्यालात भी। भाई प्रैक्टिस करने के लिए 2 महीने से प्रैक्टिस करके अगर ऐसी टीम बन जाए, चुल्लू पर पानी मेरे से लेके जाओ सालो। और मैं तो वो बंदा हूँ जो चाहता भी नहीं सपोर्ट करना, बिना पनौती के ये फेल हो रहे साले। मैंने कहा था हर्ष भाई की टीम जीतेगी, साले पनौती ही नहीं लगी मेरी, ये फिर हार गए। भाई अभिषेक फुकरा वाला अभिषेक, मैं अभिषेक नहीं भाई, कभी तो जीत, कहीं तो जीत। साले मैं जिंदगी में फेल हो रहा हूँ और तू जो हर चीज करता है उसमें तू फेल हो रहा है। भाई कब तक दिल जीतेंगे? और जीत लिया, बहुत दिल जीत लिया, अब मैच जीता हूँ। अबे कोई कॉम्पिटिशन तो जीत, बिग बॉस गया दिल जीत के आया, प्ले ग्राउंड गया वहां था मेरे को मालूम नहीं, बट जीत के तो नहीं आया। अब ECL में आया 3 बैक टू बैक, अभी एक तो जीत। जीता नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, नहीं जीतेगा। हाँ ये एनर्जी भाई दिखावे की है, अंदर मेरे मातम चल रहा है। इतना गंदा कौन हारता है यार 46 रन से? और साले तुम लोग हवा फैला रखी थे, मेरे को लगता है ना तुम लोगों की गलती है, तुमने उम्मीद बढ़ावा दी मेरे से कि अरे भाई ये तो नेशनल प्लेयर लेके आ रहे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। साला इतना बवाल मचा रखा था, मैं कहा ये खेलते हैं साले, ये मेरे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, अबे मैं तुम्हारी बंदे हूँ क्या? बात तो सही है। और कौन है ये उमंग? उमंग नाम, अबे उमंग खुशी देने के लिए ला भाई, सच में ओडीआई खेल रहा है, अबे नहीं मारा जा रहा, आउट हो। और थकेश भाई बोलूंगा नहीं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट बॉडी छोड़ के बैट से मारो। थकेश गया ही क्यों है ना, बॉल करता है, बैटिंग में 2 बॉल खिलाने के लिए बुलाते, अरे किसी और को ले उसके बदले, मुझे नहीं किसी और को लाओ। अरे मैं गया तो मैं अपने आप को गाली थोड़ी दूंगा, वो मैं बिहाइंड द कैमरा करता हूँ। अरे तुम्हें भाईचारा निभाना है, मुनव्वर के साथ निभाया भाईचारा, उस बारे में तारीफ भी कर दूंगा मैं, बट ये ग्राउंड के बाद, मैच के बाद, पहले जीतो तो सही यार, जीतता ही नहीं जा रहा तुमसे। वो नहीं हो पाया, मैं बता रहा हूँ आज के दिन में ना 3 इंसान सबसे ज्यादा सैड है, 2 अभिषेक है, 1 मैं, 1 फुकरा, और तीसरा भी अभिषेक है, रैंडम सेना, क्योंकि अभी मैच है मुनव्वर और एल्विश का। Why are we still here? भाई साहब मैंने कसम खा ली है, हार के बाद मैं फुकरा का मैच ही नहीं देखूंगा। लास्ट टाइम मम्मी पापा आए तो हारे, आज भाई बहन साथ में है, जीजू साथ में है, जीजू के साथ बच्चा साथ में है, फिर भी हारे हो तुम। अरे कल तो चल निश्चय लाइव दुखी हुआ है, आज तूने पूरा बुला के दुखी करवाया सबको, और मैं तो तेरी फैमिली का पार्ट भी नहीं, फिर भी दुख हो रहा है मुझे तेरे लिए। बॉल और ये सब बोल रहा ना, इसके बाद मेरे को पोस्ट दिखती है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर हम हारे या जीते मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा अपने कैप्टन को। अबे गली क्रिकेट खेलने गए हैं, क्रिकेट साले बचपन में खेला हुआ हमने। अरे अरे जीतो जीतो भाई जीतो, एक साला इसका दुख है और दूसरा मेरा मुनव्वर का दुख है, क्या दिक्कत है? एक तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, ये मुनव्वर की तीसरा मैच है और तीनों मैच तुमने सेकंड टाइम में क्यों रखे, सेकंड हाफ में क्यों रखते हो? तुम्हें मालूम है ना सारे लोग मुनव्वर को देखने आएंगे, मैं वीडियो करूं उसी टाइम मैच आ रहा होता है, मैं मेरे पास पूरी अपडेट होती है, मैं बोल ही नहीं पाता। कल समर्थ की क्या बैटिंग है, अब मैं तारीफ करूंगा तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी फिर से मैच है। और मुनव्वर की मैं बात करूं भी बैटिंग को लेके, ये नॉन स्ट्राइकर पे कौन 2 बार बैक टू बैक आउट होता है? सच में यार आज तो दिल से आ रहा है मेरे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे बॉल तो खेलने दो, ओपनिंग दो उसको, इस बार रन आउट नहीं चाहिए मुझे, पता चला ओपनिंग में भी बॉल खेला उसमें भी रन आउट हो गया आज। साला सच में हो गया ना, तुम बड़ी गलियां दोगे मुझे। मुनव्वर फिर बिना बॉल फेस किए वापस आएंगे, अब ये कहानी कहां लिखी गई है? कल फुकरा के साथ मैच था, कल फुकरा हारा, आज हर्ष भाई के साथ था, फुकरा हारा, और हारने के बाद भाईचारा मेंटेन है, दोनों गले मिल रहे हैं, ऑनलाइन प्यार है इनका,
पोस्ट कर, मुनव्वर आंसर दे रहा है। अरे मैं का थोड़ी किस्मत भी ले ले मुनव्वर से। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे मुनव्वर की टीम जीत रही है तो मेरे को समझ में आता कि वो ये सब शेयर करें क्योंकि उसे मुनव्वर पसंद है और उसकी टीम जीत भी रही है। फुकरा इंसान की पोस्ट देख के मुझे दुखी हो जाता है कि इसको भी तो जीतने दो यार, सारी किस्मत मुनव्वर को दे दी तुमने। अरे कल पोस्टमैन प्रेजेंटेशन था मेरे ख्याल से, उसमें शायद ही मारती उसकी क्लिपिंग निकाली हुई है। तो वही के सबने देखी अकड़ मेरी मंजिल पे, के यहाँ सबने देखी अकड़ मेरी मंजिल पे, किसी ने पैरों के छाले नहीं देखे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता ना कहीं ना कहीं मुनव्वर की पनौती लगाई है, मुनव्वर ने पनौती लगाई है। कल जब रन आउट हुआ तो फुकरा गया भाग के, अरे दूसरी बार रन आउट हुआ है, उसने जीरो दिखा दिया साले, तीन मैच हार गए बैक टू बैक। ये मायूस चेहरा देखिए, ये मुस्कुराएंगे जरूर लेकिन कोई गम है जिसको छुपाएंगे जरूर। हाँ, इसके अलावा मुनव्वर से रिलेटेड क्या है, कुछ नहीं, जीत रहा है। अभी मैच शुरू हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अरे वो मुदस्सर के दिखा रहे हैं क्लिपिंग, अरे इस पे बड़े सवाल उठा दिए कि भाई ये तो जो भट्ट है मुदस्सर भट्ट, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, देखो देखो खेल गया यार। मैं कहा सेलिब्रिटी लीग का मैच है, वो एक्टर है, वो खेला, उसमें तो जय भानुशाली भी खेला, उसकी क्लिपिंग आ रही है। अभी ये भट्ट पे लगे थे तो इन्होंने निकाल दिया अनुज करके कोई बंदा, उसकी ये देख ये भी खेलता है, ये तो कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। मैं कहा देखो एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी लीग जो भी है ये ECL, एंटरटेनमेंट इंजॉय करो, इतना भावुक मत हो जाओ। पूरा फर्स्ट हाफ भावुक निकला हूँ मैं तो, मैं यही बोलूँगा भावुक मत हो। अरे दिल्ली में मैच है, दिल्ली का लड़का है, नाम मेरा भी है अभिषेक, पर बैंगलोर को ऑफेंड करना है, बैंगलोर से निकल और ऑफेंड करवा, कन्नड़ा बोलो कन्नड़ा, वो करो, ऐसे नहीं चलेगा यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, इसके अलावा आखिरी मुनव्वर पे करेंगे क्यों? अरे कोई ये है ना बिग बॉस जो सीजन था मुनव्वर वाला, उसमें ये हरामन औरत थी जिसको गिरा दिया था जो वो गवार ने फटा सांड जो भी था, जो वो बंदी कहती कि मेरे हिसाब से अभिषेक नकली कुमार ज्यादा डिजर्विंग था मुनव्वर से। वैसे तो फिर तुम भी डिजर्विंग थे, तुमने तो अपनी टांग लड़वाई है, घटिया मेकअप करके आए हो, दो वीक टीके नहीं हो तुम, दो वीक। ये बकवास करने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि उसका एक आर्क है, बट वो पूरे टाइम ओवर एक्टिंग करके गया है, पूरे टाइम उसने प्रिटेंड किया है जो वो है नहीं रियलिटी में। वरना अभी खतरों के खिलाड़ी में सडनली उसका पारा एकदम से बढ़ता था जब आसिम रियाज ऑलरेडी चल रहा है वहां पे, ऐसा नहीं ऑफ कैमरा हुआ नहीं है, ऑफ कैमरा हुआ तब शांत रहा है, ऑन कैमरे में भी जब लगा इसको भी फुटेज मिलेगी तब जाके लटका है वो। अननेसेसरी बीच में जाना है दूसरों के, दूसरे के बीच में क्यों जाना है? फुटेज लेने के लिए। चले इसको वो है क्या है ये क्लेस्ट्रोफोबिया है, प्लेन में बैठ के गया ना, गया कि नहीं गया? साला हर चीज में अननेसेसरी पॉइंट मत घुसाओ कि उसका एक आर्क है, विलन बन गया, हीरो। मैंने ही बोला ये डायलॉग, मैंने भी बोला ये डायलॉग क्योंकि उसका आर्क बना वैसे, बट बना कैसे? डोमेस्टिक वायलेंस पे, ये असॉल्ट पे, फिजिकल असॉल्ट सपोर्ट करते हो आप तो बड़े वोक बन देते फुद्दू औरत। अरे तू किसी और का नाम ले ले, ईशा मालवीय चलाक लोमड़ी ज्यादा डिजर्विंग थी, उसका भले पर्सनल लाइफ आया उसने फिर भी नहीं छोड़ा, वो पूरा डट के खेली है, बट तू नकली कुमार को बोलोगे और फिर जस्टिफाई करोगे उसके जो एक्शन है वो कहीं मुद्दा नहीं है। और अगर आप मुनव्वर फारूकी बोल रहे हो ऑडियंस की वजह से जीता है तो भाई उसमें भी मेहनत लगी है ना, आपको क्यों निकाला दो वीक में? क्योंकि आपके अंदर इतना दिमाग नहीं था, मेकअप करने में जो बिजी थे आप। चुप। हाँ, बाकी लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।